Congress MP Rahul Gandhi wrote to Parliament on a new set of wheels to register his protest against the new agricultural farm laws. He was seated on a tractor and bring attention to the farmers' protests also taking place in the capital. Let's listen in to what he had to say. हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहां ट्रैक्टर पे आए। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूं, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहां लाया हूं। ये दो तीन बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। राजनीति करना उनका काम है, वो ट्रैक्टर पे बैठे चाहे किसी भी वाहन पे बैठे, किसानों को एक दृष्टि से इस पूरे विषय में मैं मानता हूँ कि उपयोग की वस्तु बनाया जा रहा है। तो सरकार अभी भी तैयार है कि आप बताइए कौन सा अनुच्छेद हटाना है या कौन सा नया डालना है। अगर राहुल गांधी इस विषय में थोड़ा ध्यान देते हैं तो किसानों की सही अर्थ में सरकार की ओर से जारी है। जो विपक्ष इस मुद्दे को राजनीति का बिंदु बना रहा है उसने ये सोचना चाहिए।